नमस्कार बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछी गई समस्याओं में से एक समस्या पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने जा रही हूं। और वो समस्या जो कि आपके प्रश्न पत्र में 4 या 5 नंबर की आती ही आती है। जी हाँ, कवि और लेखक परिचय। आपने मुझसे पूछा है कि मैडम हम किस तरीके से कवि और लेखक परिचय लिखें, मैं आज उसी प्रश्न का उत्तर देने जा रही हूँ। ये जो प्रश्न है वो अलग अलग स्टेट बोर्ड के हिसाब से निबंधात्मक के रूप में आता है। निबंधात्मक के रूप में आएगा तो 4-5 नंबर का आता है, या कभी कभी 2 लघुत्तरात्मक प्रश्नों के रूप में पूछ लिया जाता है, 2-2.5 नंबर का, या कभी अति लघुत्तरात्मक के रूप में पूछ लिया जाता है, 1-1 नंबर के रूप में। ना केवल विद्यालय स्तर पर बल्कि ये लेखक और कवि परिचय जो कॉलेज स्तर के परीक्षाएं हैं, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर की जो परीक्षाएं हैं उनमें भी ये बहुत काम का है, क्योंकि आपके निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, किसी न किसी लेखक और कवि से संबंधित आते हैं। जब आप उस प्रश्न को लिखने बैठते हैं, उसका उत्तर लिखने बैठते हैं, तो आपको भूमिका चाहिए, और भूमिका में आप क्या लिखते हैं, उस कवि और लेखक का परिचय, ये लिखना अति आवश्यक है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवाएं हो, या वो UPSC हो, या वो आपके IAS की हो, या कोई और प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये जो कवि और लेखक का परिचय है, इसी से तो आपका हिंदी का सामान्य ज्ञान बनता है। तो आपके जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न इसमें से आएंगे ही आएंगे। तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं कि हमें कवि और लेखक परिचय कैसे लिखना है। ध्यान से अंत तक वीडियो को देखिए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे वीडियोस को पूरा अंत तक देखते हैं, और जो चीज आपको और चाहिए होती है कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखते हैं, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि आपकी समस्या का समाधान तुरंत करूँ। यद्यपि मेरे अभी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन मेरे लिए प्राथमिकता है कि मैं आपकी, क्योंकि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और एग्जाम्स आने वाले हैं कुछ बोर्ड्स के, तो मेरी प्राथमिकता है कि मैं अपने बच्चों की समस्याओं का समाधान करूं। तो मैं आज आपको बता रही हूं कि आपको कवि का परिचय या लेखक का परिचय कैसे लिखना है। मोटे तौर पे जब भी यह प्रश्न आए, हम अपने इस प्रश्न के उत्तर को 3 भागों में बांट लेंगे। पहला जीवन व्रत, दूसरा रचनाएं, और तीसरा साहित्यिक एवं काव्यगत विशेषताएं। देखो, यदि लेखक का आप परिचय लिख रहे हैं तो साहित्यिक विशेषताएं शब्द लिखना, और यदि कवि का परिचय लिख रहे हैं तो काव्यगत विशेषताएं लिखना। ध्यान रखना, आपसे हिंदी साहित्य में किसी भी कवि और लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। साहित्यिक परिचय को हम इन 3 भागों में बांट लेंगे। जरूरी है, पूछा तो साहित्यिक परिचय जा रहा है, पर जरूरी है कि आप उस लेखक या उस कवि की कुछ जीवन व्रत की जो मुख्य घटना है वो जरूर बताएं। ये जीवन व्रत और या जीवन परिचय भी आप इसको लिख सकते हैं। इसमें आपको उसका उपनाम लिखना चाहिए उस कवि का, जैसे मैथिलीशरण गुप्त को हम राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं, जैसे महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, जैसे सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। तो उनका जो उपनाम है उसके साथ, उनके जो विशेषण है उस विशेषण के साथ उस कवि का नाम लिखिए, उसका युग का नाम लिखिए कि वो हिंदी साहित्य के किस युग से प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो आदिकाल का है, वो भक्ति काल का है, वो आधुनिक काल है, आधुनिक काल में वो छायावादी युग का है या प्रगतिवादी युग का है, उस युग का नाम आपको लिखना है। और फिर आपको उसके जन्म तिथि लिखनी है, और डिटेल में नहीं जाना है, शॉर्ट में पॉइंट्स के रूप में आप लिख सकते हैं। मान लो जैसे आप सूरदास के बारे में लिख रहे हैं तो जन्म तिथि लिख दीजिए, 1478 में उनका जन्म हुआ, उनकी जो मृत्यु तिथि है वो लिख दीजिए, 1584 में उनकी मृत्यु हुई, उनका जो जन्म स्थान है जन्म स्थान के बारे में लिख दीजिए कि उनका जन्म स्थान रुनत्ता माना जाता है। और यदि आपको याद है तो थोड़ा सा लिख दीजिए, और आपके पास स्पेस है, जगह है, शब्द सीमा यदि आपकी पार नहीं हो रही है तो आप लिख सकते हैं कि सूरदास का जन्म स्थान और जो जन्म तिथि है वो विवादों से परे है, लेकिन ये सर्वमान्य मतलब अधिकतर लोगों के द्वारा इसको माना गया। फिर उनका व्यवसाय लिख दीजिए, जो भी लेखक के बारे में आप लिख रहे हैं, मान लो सूरदास जी का ही लिख रहे हैं तो उनका व्यवसाय क्या था, वो कथावाचक थे, भागवत कथा का वाचन किया करते थे। फिर उनकी कार्य और उपलब्धि लिख दीजिए, सूरदास जी ने क्या किया, सूरदास जी ने भागवत कथा का वाचन किया और उसके आधार पर कृष्ण लीलाओं का अपने रचनाओं में बड़ा कहना चाहिए मधुरतापूर्ण माधुर्यपूर्ण वर्णन किया। इस तरीके से उनकी कार्य और उपलब्धियां आप लिख दीजिए। और जैसे इनको कोई पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन जैसे अपन आधुनिक किसी कवि के बारे में लिख रहे हैं, मान लो आप सुमित्रा नंदन पंत के बारे में लिख रहे हैं, तो आप बताइए कि सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उन्हें भारतीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल चुका था। इस तरीके से आप 2-3 पुरस्कारों के नाम लिख सकते हैं, बस संक्षिप्त में इस तरीके से आप जीवन व्रत लिख दीजिए। उसके बाद आ जाइए रचनाओं पर।
उस कवि की रचनाओं के बारे में आपको लिखना है और रचनाओं में आप 4 से 6 तक रचनाएं याद कर लीजिए। किस्मत वाले हैं, यदि बिहारी का आ जाता तो एक ही रचना है बिहारी सबसे, कबीर का आ जाता तो कबीर की एक ही रचना है बीजक, जिसके 3 भाग है साकी सवादा रमेनी। लेकिन जनरली जो कवि हैं और लेखक हैं उनकी जो पुस्तकें हैं, जो रचनाएं उन्होंने लिखी हैं, उनमें से लगभग आप 4-6 रचनाएं याद कर ले, 4 से 6। जैसे मान लो सूरदास का आता है तो सूर सागर है उनकी, साहित्य लहरी है उनका, सूर सारावली है उनकी, सूर 25 है उनका, सूर सागर सार है, गोवर्धन लीला है, भागवत है, दस स्कंद उनकी जो कविता है, नल दमयंती है। तो इस तरीके से काफी सारी रचनाएं हैं, पर उनमें से जो आपको याद हो जाए 4, 5 या 6 जो प्रमुख रचनाएं हैं, सारी नहीं जो प्रमुख रचनाएं, जैसे सूरदास जी की ये 3 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, सूर सागर है, साहित्य लहरी है और सुर सारावली है। तो इस तरीके से आपने उन रचनाओं के नाम लिख दिए। फिर आ जाते हैं आप उनके साहित्य की काव्यगत विशेषता है, इसमें क्या लिखेंगे, पॉइंट्स बना के लिखिए। पहला विषय लिखिए मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है, किस विषय वस्तु पर वो कवि लिखता है, वो लेखक मुख्य रूप से किस चीज पर लिखता है, क्या वो भक्ति पर लिखता है, क्या वो काव्य लक्षणों पर लिखता है, क्या वो आधुनिक युग की जो सामाजिक समस्या है उस पर वो रचनाएं कर रहा है अपने, उसने क्या मध्यम वर्ग है उसे मध्यम वर्ग की कुंठा निराशा संतरास पर अपनी कविताएं लिखी हैं, मतलब उसके मूल विषय क्या है, क्या राष्ट्रीय चेतना उसका मूल भाव है, इस तरीके से नारी चित्रण उसका मूल भाव है, जो उस कवि का, हर कवि का कोई ना कोई एक प्रिय विषय होता है जिस पर वो, जैसे रामधारी सिंह दिनकर की बात कर ले तो उनकी जो कविताएं ज्यादातर हमें राष्ट्रीय चेतना की कविताएं मिलेंगी, मैथिली शरण गुप्त में आप चले जाइए या तो सामाजिक समस्याओं से संबंधित कविताएं मिलेंगी और या फिर पौराणिक विषयों पर आधारित कविताएं लिखी मिलेंगी और या देशभक्ति पर आधारित कविताएं मिलेंगी। तो जो उनका मूल विषय वस्तु है वो आप यहां लिख दीजिए। फिर लिख दीजिए काव्य रस, यदि हम वात्सल्य रस को मिला लेते हैं तो 10 काव्य रस होते हैं और हर कविता में कोई ना कोई रस तो होता ही होता है, तो आप रस लिख दीजिए कि श्रृंगार रस है कि शांत रस है और एक कवि में, जरूरी नहीं है एक। अब जैसे सूरदास की बात करें तो सूरदास में हमको वात्सल्य रस भी मिलेगा क्योंकि उसने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है, उनकी में हमको श्रृंगार रस भी खूब मिलेगा, क्यों, क्योंकि श्रृंगार रस में उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम की बात की है और उनके कविताओं में हमको शांत रस भी मिलेगा क्योंकि भक्ति की भी बात कही गई है। तो जो विषय वस्तु उसके आधार पर उनका कोई काव्य रस होंगे वो काव्य रस की बात बता दीजिए। फिर भाषा का नाम बता दीजिए कि उस कवि या लेखक की क्या भाषा है, क्या हिंदी की खड़ी बोली है, जैसे मैं मान लो मैथिली शरण गुप्त पर बात करती हूँ तो हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग किया उन्होंने, पर उनकी भाषा में मतलब किस तरीके से परिनिष्ठता है, परिमार्जित है, किस तरीके की वो हिंदी भाषा है वो लिख दीजिए, भाव और विषय के अनुकूल है, उसमें प्रभावशीलता है, उसमें लाक्षणिकता है, उसमें व्यंजकता है, तो भाषा की विशेषताएं भी साथ में आप लिख दीजिए कि भाषा भाव एवं विषय के अनुकूल है, उसमें प्रभावशीलता है, गद्य है तो उसमें मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, इससे उसमें लाक्षणिकता आ गई है। इस तरीके से आप भाषा का नाम और भाषा की विशेषता लिख दीजिए और देन आप शैली और शैलियों के नाम और उसकी विशेषता बता दीजिए। देखो हर कवि का अपना एक स्टाइल होता है, हर लेखक का अपना एक स्टाइल होता है, वो अपने स्टाइल से लिखता है, उसका जो ये स्टाइल है ना वही शैली कहलाता है। और जरूरी नहीं है कि एक कवि केवल एक ही शैली में अपनी बात को कहे, कभी वो उपदेश देने लग जाता है उपदेशात्मक शैली हो जाती है, कभी वो दो लोगों में आपस में बातचीत कराने लग जाता है संवाद शैली हो जाती है, कभी वो व्यंग करने लग जाता है। मान लो जैसे सूरदास है, सूरदास की जब अपन भ्रमर गीत पढ़ते हैं तो हम कहते हैं व्यंग्यात्मक शैली है क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, व्यंग किया जा रहा है। गद्य पे आ जाइए, यदि किसी चीज का वर्णन किया जा रहा है हम कहेंगे वर्णात्मक शैली है, यदि किसी तथ्यों को खोल खोल के बताया जा रहा है हम कहेंगे विश्लेषणात्मक विधि है, किसी चीज की पूरी तरीके से डिटेल बताई जा रही है हम कहेंगे वो विवेचनात्मक विधि है, शैली है। तो इस तरीके से हम शैली का नाम लेते हैं और शैली की विशेषताएं बता दें कि शैली में चित्रात्मकता है, शैली में प्रतीकात्मकता है, शैली में सजीव बिंब योजना है, इस तरीके से हम शैली की विशेषताएं बता दें। तो इन 3 पॉइंट्स में आप किसी कवि और लेखक का परिचय आराम से बता सकते हो और इसी तरीके से पॉइंट्स में यदि आप लिखेंगे तो आपको नंबर भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अब एक बात और बता देती हूँ कि सोने में सुहागा वाली बात कि आप अपने प्रश्न के उत्तर को आकर्षक कैसे बनाएं, किस तरीके से परीक्षक का ध्यान आकर्षित करें, तो उसके लिए एक चीज बताती हूँ कि जिस कवि का भी आप परिचय लिख रहे हैं साहित्यिक परिचय, निश्चित रूप से उस कवि के बारे में किसी ना किसी लेखक ने या किसी कवि ने कोई टिप्पणी की है, उसके बारे में कोई कथन कहा है या उस कवि के व्यक्तित्व को दर्शाते हुए कोई कथन आपको याद है, तो आप उस कथन से इस प्रश्न के उत्तर को शुरू कर सकते हैं। मान लो जैसे हम सूरदास का साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं, हमें याद आ जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर सूर तुलसी ससी,
ठीक है। जैसे मान लो हमको आपका तुलसीदास जी का हम साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं, हमें अयोध्या सिंह उपाध्याय की पंक्तियां याद आ जाती हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तो इस तरीके से उस कवि के बारे में जो प्रसिद्ध कथन कहे गए हैं, उन कथन से, उन कथनों के माध्यम से हम इस प्रश्न का उत्तर यदि शुरू करेंगे तो आप अपने परीक्षक का ध्यान अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और आपको नंबर 90% से ऊपर 95, 97, 98% नंबर तक आपको मिल जाएंगे। जैसे आप कबीर पे लिख रहे हो तो कबीर के व्यक्तित्व से संबंधित आपको कोई दोहा याद आ गया, जैसे कबीरा खड़ा बाजार में सबके मांगी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, ये कविता कबीर के व्यक्तित्व को दर्शाता हुआ एक दोहा है। आपने उस दोहे से ही कबीर का साहित्यिक परिचय प्रारंभ कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी कवि या किसी लेखक का साहित्यिक परिचय दे सकते हैं। अब आपके सामने एक समस्या ये आती है, आप पूछ कह सकते हैं कि मैडम हमको ये कैसे याद करें, इसको याद करने का क्या तरीका है, भूल जाएंगे हम, उसका जन्म स्थान उसमें डाल जाएंगे, उसकी जन्म तिथि उसमें डाल जाएंगे। तो मैं आपको उसको तरीका बताती हूँ कि आप किस तरीके से ये सारी चीजें आसानी से याद कर सकते हैं। आप क्या करें कि आपके कोर्स में जो किताब लगी हुई है, जो पुस्तक है आपकी, पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में जितने कवि हैं उन कवियों की एक सूची बना लीजिए, है ना। हम एक सारणी बना लेंगे तो उन कवियों के नाम आ जाएंगे, फिर उस कवि का क्या उपनाम है तो उपनाम लिख दिया हमने, फिर उस कवि का कौन सा युग है हमने युग लिख दिया, फिर उस कवि का जन्म कब हुआ जन्म लिख दिया, मृत्यु कब हुई मृत्यु लिख दी, है ना, स्थान कौन सा था स्थान लिख दिया, कोई पुरस्कार मिला है पुरस्कार लिख दिया, है ना, उनकी रचनाएं लिख दी, उनकी भाषा लिख दी। इस तरीके से हम एक चार्ट बना लेंगे, एक सारणी बना लेंगे और इस तरीके से उसमें लाइन खींच लेंगे। एक एक कवि को उठाते जाइए, अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ते जाइए और पढ़ के जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपने लिख ली, कवि का नाम लिख लिया, कवि का उपनाम लिख लिया, कौन से युग का है, कब जन्म हुआ कब मृत्यु हुई, कौन सा स्थान है, क्या पुरस्कार मिला, कौन सी उनकी रचनाएं हैं और उनकी भाषा क्या है, ठीक है, ये मुख्य मुख्य बातें हैं। इस तरीके से आपने एक सारणी बना ली, ये सारणी आपके आंखों के सामने रहेगी, आप इसका रिविजन करते रहिए, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक। तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अब लेखक और कवि परिचय लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और आपसे एक ही कहना है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको शेयर करें, और आपकी कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगी। जैसे कल ही किसी बच्ची ने मुझे ये चीज पूछी थी कि मैडम हम कवि और लेखक का परिचय कैसे लिखें, और आज ही मैंने उसका वीडियो बना के आपको डाल दिया, तो तुरंत मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।